जय नंदा देवी गढ़वाल और कुमां आदिकाल बटी देवी की पूजा होनी देवी का नाम अलग अलग छन को स्वरूप एक यूं ही देवियों में एक देवी छ जो गढ़वाल और कुमऊ की कुल देवी या इष्ट देवी परवी थे दिशियाण मने जा दी अधियान मतलब बिवही बेटी या बहन यह देवी नंदा देवी की हर साल जात्रा और बारह सालम राज जात हूंद नौ दुर्गो एक देवी नंदा देवी माँ पार्वती एक रूप नंदा देवी सितंबर और अक्टूबर नंदा देवी थे अपना सौरास यानी कैलाश भिजनो वक्त च आज हम घसेरिम नंदा देवी का जन्म भगवान शिव दगड़ वहीं कुब्यो और सौरास जाने की कहानी तुम थे सुनो दो कहानी थोड़ा लंबी हुई पर पूरी सुनिया माँ नंदा देवी ई कहानी थे गढ़वाल और कुमोमा सब भी लोग तय पहुंचाण खुणी इ थे शेयर जरूर नंदा देवी का जन्म से जुड़ी कहानी अलग अलग तरह से सुनाई जान पर सब भी कहानियों सार लगभग एक ही उत्तराखंड की लोक कहानियों की सीरीज में आज सुन दो भगवती नंदा देवी से जुड़ी कहानी इत तो तुम जन दे कि सबसे पहली हमारी यह धरती आपको गोल है कई लाख वर्ष बाद धरती ठंडी हुए ये बाद हर तरफ पानी पानी फैल गए यही समय में एक शक्ति से माया को जन्म होंद कह को जन्म होंद माया को जन्म कोई खुनी माया बुद्धि तो न तो कोई आदि शक्ति माया ने देखी चार तरफ पानी पाइन सोची कि पृथ्वी थे बसाण की मेरी जिम्मेवारी माया यानी आदि शक्ति न अपना तेज से एक रोतलू जवान पैदा कहे वे मैं प्राण भरीन मायन वो एक नौ रखी ब्रह्मा मायन बोली कि अब हम मिली मंथ थे बसौला ब्रह्माजीन बोली हे मां तेरी शक्ति से मेरु जन्म हु तेरु नौ छो मैं तेरु दगड़े निबण सकुद पर मी मंथ थे बसौण में तेरी मदद जरूर करो ब्रह्म जी ने ऊंचा डांडा काटा मैदान गदना नयार नदी दादी बोटी समुद्र मनिक चकुला और जानवर बने दिन पर मायत तब भी अखिली रह गए फिर एक और रोतेलु जवान तैयार के ये कुछ आई ये विष्णु जी छा विष्णु जी ने भी वही बात बोली जो ब्रह्म जी ने बोल छे विष्णु जी ने मंत्र की सभी चीजों की देख रेख कर्णक जी में बरी ले माया फिर भी उदास छे मायन अपनी शक्ति से एक और जवान तैयार करी और को नौ रुद्र धैरी रुद्र को मतलब हूंद खैरी कष्ट दूर करोग रुद्रन भी वही बात बोली जो ब्रह्मा और विष्णु जी बोल छे पर रुद्रन माया को दुख भी दूर करणों को जतन बताए दे बोली कि अभी हम दिया खुत खत्म करी की नहीं जन्म लूला अर्ता भम दी बन सकता हूं उन्हों नहीं मायन जब खुद थे नष्ट कह तो वही को दुई हिस्सा हुई मथियो हिस्सा पहाड़ों में और तौल को हिस्सा घाटियों में पोड़ी गए हिमालय तब थे ऋषि मुनियों की धरती बन गए छे कई संत महात्मा इन धरती पर रहन बैठ गया छाए इन्नी एक गांव रिसासुम सात भय रहन दछाए यूं भयों में एक भय छाई हेमंत देवी देवतों में विश्वास रखू संत मनिक हेमंत की घरवाली को नौ छाई मैणावती कई वर्ष बीत गिन पर उनकी नौने चाहे। मायन अपना बोए बुबा बना की सोची एक दिन रिसा सुम कुछ साधु महात्मा पहुंचीन उन हेमंत बोली कि अगर वो बड़ू यज्ञ कार तो वे का घर नौनी जन्म ले ली हेमंत पूजा की तैयारी करना बैठ गया वो पूजा का भांडा खुणी, नौ धारम गए। वो खूब की एक छुट्टी सुंदर नौनी नौ धारा छाल खिलनी हेमंतन सोची कि आहा मेर भी सिन्नी नौनी हुंदी दी कन हूं दू कह की हुए लिया नौनी वहन घोर आकी अपनी घरवाली वहीं नौनी बारम बताई तो मैणवती भी वहीं दिखण को अपनी गगरी ले की नवधारा चलिए यह नौ निक्वी और ना माया छे मैणवती जन्नी उख दे माया छुट्टी माछ बन जान नौ धारम तैरण बैठ जान मैणवती उदास हुए जान जब वो पानी भूर्द तो माछी वहीं का गगरी में चली जान मैणवती घोरा की जब पानी पींद तो माछी वहीं का पुटुक चली जा माछी मेणवती का गर्भम जांद अरे मैणवती दुबस्ता हुए जान मैणवती उम्र ज्यादा हो गये पर तब भी वह हर तरह कष्ट सह की नौ महीने बाद एक सुंदर नौनी थे जन्मदिन हेमंत खुश हुए जान अपनी नौनी को नामकरण खुणी बड़ू भंडारू द, वशिष्ठ जन पंडित थे बुलांत वशिष्ठ नौनी को नाम रख दिन नंदा के नाम रख दिन नंदा दगिड़ दगिड़ी वो सात और भी नाम रख दिन पर अभी पूजा चलनी चाहिए कि अग्यारह दिन नंदा बुलन बैठ जान्द वो बुध मेरु नौत गौर और मेरु ब्यो कैलायण वाला भोले शंकर दगड़ हुन सभी समझ जन्दिन न कि यौनी हुई देवी छ तो गौत वी नौनी खुणी नंदे बोल पर मैणवती वहीं खुणी गौरव बुद्ध छ साल निकल दिन और गौरव बारह साल गए दिखेने की बांध और हर काम तेज तरार पहले जमन बारह सालम भी नौनिक ब्यो कर दींद छा नंदक बोए बाप पुरानी बात भूल न और नंदक हु नौन ढूंढ बैठ गिन। कई नौ न दिखीन पर क्वी ऊथ है जू नीच ये बीच रुद्र भगवान शिव का रूप मां कैलाशम जन्म ले चुक गया छा शिव बारह साल तक तप करना रहन तो की देवता डर कि अगर सब भी शक्ति शिव शंकर का पास चली जेली तो हम तो कैल भी नहीं पूछना सब भी देवता नारद का पास गए नारद खुण कैलाश जानो खुण बोली कि वो कनिके भी शिव थे तब से जगाओ नारद नारायण नारायण करद करद कैलाश पहुंच जन्दिन शिवों की आवाज सुनी तब से उठ जन्दिन वो दिख दिन एक बामणों का घौर मई वो नारद थे भिक्षा दीन चांदीन पर नारद भिक्षा ही लींदा नारद मुनि बुद्धि न तुम तो ब्यो बंद कुछ नीच तुम अणविवाह छो मैं तुम बटे भिक्षा ही ले सको तु शिव जी गुस्सा वैजी पर नारद मुनि तो नारद मुनि छा वो आखिर शिव जी थे मनो दिदिन दगिड़ दगिड़ नारद मुनि बुलदि न मेरी तुम खुणी एक नौनी दिखी चिरीसा सुम तुम ब्यो की तैयारी का रा अर्मी उख जा वी कबे बबू थे बताऊंद शिव जी ब्यो तैयार हो जन्दिन अब नारद मुनि मुनिजोच रिसास पहुँची जन्दिन उख हेमंत और मैणवती की खूब सेवा भक्ति कर दिन और नारद जी उख भी भिक्षा लीण से मना कर दिन, दिन। कि लय नारद जी ने बोली कि जय घौरव चौदह साल की कन्या अणविवाह हुआ वे घोर बटी वो भिक्षण नहीं ले सकता हेमंत और मैणवती बुदिन कि फिर कोई नौन बतावा जय दगड़ हम अपनी नंद को ब्यो कर सको नारद मुनि बुदीन अरे नौन तु बरात ले कर तुम ब्योह की तैयारी करा कैलाश वाला शिव दगड़ नंद को ब्यो हो लु तुम अरी नौनिन ऊ दगड़ खुश रह हेमंत अरे मैणवती नारद मुनि पर विश्वास कर ब्योह की, की तैयारी कन बैठ जंदीन शिव जी कैलाश बटी बरात ले कर पैठ जंदिन प्रस्तम जी भी मिलनु उबरत इन पैठ जाणु बुध अभी छन के कख जाणु छिव जी की ब्रतिम बल शिव जी की बरतिम हर तरह का की ना मनिकी न शिव जी जब बारात लेकी हेमंत का घर तो मैनावती नैणवती रूप देखी रूण बैठ जा नारद मुनि का पास जान्द अरबुद तिन योगी ढूंढ साख मेर नौ नि खुणी जय की की खाल पैरिंच सर बदन पर रंगोड़ लगयुछ अर गोरों धर्यूछ ना मिन्नी कौन है जो गिदगढ़ अपने नौनी ब्यो नाराद जी मेणावती थे समझा छन की शिव जी सीधा तप बटी उठी की और दूर बटी एक औणा ब्यो का कपड़ा पैर आला तो तुम थे जरूर पसंद आला कुछ देर हम शिव जी पीलू चाला और पीली धोती पैर दीदिन दिन। थे जूनी जन मुकुट पैरे जान शिवजी को ये रूप देखी की मृणावती भी खिलफत भान शिव जर नंद को ब्यो हुए जान। कुछ दिन बाद जब नंद की विदय हुंद, तो पूर्व गांव थे विदा करण आंध नंद की डोली सजे जाह जान। पहली नंद की डोली ईड़ा जान। उख नंद को खूब आदर सत्कार हुंद। जैसे खुश हुए की नंद बुध कि अग्नय जब भी वाह अपना मैत बटी सौरास जैली तो इक जरूर रुक ली नैनिक भी नंद की खूब सेवा कर दिन त तो नंदा देवी ऊँ की छतोदी अग्यूर्द नंद की डोली एक बाद नौटी गाँव में रुकद नौटी का नौट को प्यार देखी की नंद खुश जान वहीं थे नौटी अपना मैथ जन लगद इखम नंदा बुध कि आज बिटी वहीं थे राज राजेश्वरी नाम से जने जाल और नौटी वहीं कुमै थो लु थे नंदा अपना राजगुरु बणोद ਇਕਬਾਦ ਕਾਂ ਸੁਮ ਵੀ ਮਾਂ ਕੀ ਖੂਬ ਸੇਵਾ ਸਤਕਾਰ ਹੁੰਦ ਦੇਵਿੰੰਨਦ ਬੁੱਧ ਕੀ ਭਵਿਸ਼ਯਮ ਕਾਂ ਸੁਕਾ ਲੋਗ ਵੀ ਖੁਣੀ ਰਿੰਗਾਲ ਕੀ ਛਤੋਲ ਦੀ ਬਣਾ ਲਾ ਮਾਂ ਨੰਦ ਦੇਵੀ ਬੁੱਧ ਕੀ ਮਿਕਾਂ ਸੁਮ ਚੌਸਿੰਘੇ ਖਾੜੂ ਵਿਜਲੂ ਅਰ ਜਕ ਤੱਕ ਕੋ ਚੌਸਿੰਘੇ ਖਾੜੂ ਜਾਲੂ ਅਰ ਤੁਮ ਤੇ ਦਿਖਾ ਲੋ ਉਕੀ ਤੱਕ ਤੁਮ ਲੋਗ ਜਾਇਆ ਜਕ ਬਿਟੀ ਖਾੜੂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਲੋ ਉਖੰਬਾਟੀ ਤੁਮ ਵਾਪਸ ਲਾਟ ਜਾਇਆ ਇਕਬਾਦ नंद की डोली सेम सितोली धार कोटी भगोती बैनोली, कुलसारी बधाण दसोली नंदकेशरी फलदिया गांव मुंदौली वाण गैरोली पातल पातर नचोनिया शिला समुद्र से हुए की जूरा गली धार पहुंच नंदा देवी थई तीस लगी जान शिवजी पानी ढूंढ दिन तो कखी पानी नहीं मिल दो वो अपूर्ण त्रिशूल थई एक जगह फेंक दिन तो वो पानी को ताल बन जा नंदा देवी उखम अपनी तीस बुझौत और बैठ शिवजी जब नंदा देवी को सुंदर रूप दिख दिन तो वे ताल कु नौ रूप कुंड रख दिन अग्न नंदा देवी दगड़ वहीं की कुछ दासी और शिव जी कैलाश तक पहुँच दिन नंदा देवी आखिरी में अपना सौरास पहुंच जा नंदा देवी कैलाश पहुंचद तो चर तरफ ह्यू ही ह्यूं दिखद न कोई मनिक न कोई चकुल जानवर भी एक वो भी शिवजी को नंदी बैल मौसम इन कि हर समय जडू लगनूरा हर समय गर्म कपड़ा पहरी इन कई दिन मैं और साल गुजर गई शिवजी भी अपना समाधि में चली जन्ी नंदा देवी अखुली रह जा एक दिन नंदा देवी थे गुस्सा आ अपना बाबू और गाँव पर जौनवी कि ब्यो इतगा दूर और इन यकुली जगह पर काय माँ नंदा देवी का कोप से रिसासु और वे का आसपास का क्षेत्रम अकाल पोड़ गए उख का लोग परेशान हुए गिन ऊन वुई जगह का बार मनिया जोगी बुलाए ऊन भी कुछ नहीं कह साकू पर ऊन बते दे कि यू कोप कैलाश बेटी आणुच कि लैकी उख तुम्हारी बेटी नंदा खुशनी हेमंत अर मैणावती भी सोची कि कई साल बटी उन अपनी बेटी मैथनी बुलाई पर उत कैलाश जानो रस्ता भी नहीं जनता चाहे आखिर बारह बारा जोग्यो नहीं दुई बड़ा बड़ा मुआरा बने और कैलाश जाके नंद थे बुलाणो को आदेश दिया है वो दुई मुआरा कैलाश पहुंच न को भिमणाट से नंद भी चौंक गया है जब नंद थे पता चली कि वो मुआरा वहीं का मैथ को रे बार ली कि अया छ तो वो खुश हुए गए पर अब एक दिक्कत छे शिवजित समाधि लगे कि बैठिया छाए नंदन शंक उठाई और जोर से बजे दे शिवजी समाधि से उठ जन दिन। और अर दक्षण तीन मी थे उठे नंद सब बात बताओ दिन तो शिवजी क्रोधम दिन तेर सदन अपना मैथ की रट लगाई रहे पर अब तीन मी तब से भी उठे दे नंदा देवी पहली रूण बैठ जान्द पर जल्दी वो प्यार से अपना जवे थे मनोदीन भोले शंकर को गुस्सत जल्दी खत्म हुए भी जान वो नंदा खुणी मैथ जानो को हाँ बोल दिन दिन शिवजी न अब बिटी तो सालम एक बार मैथ जा सके दी और बारह सालम एक बार पूरा दल बल का साथ जा सके दी तब तो जन चेल उन तेर विदये पर ध्यान बरसात खत्म होने से पहली वापस लौट जाए कि बाद में ठंड बढ़ जान और यूं ज़्यादा पोड़ जान नंदा देवी खुश हो कि अपना मैतांत, अपनी नौ बत्ती बारी दिखत, अपनी बुए का हाथों बढ़ू खाणों खांद, माँ नंदा का खुश होने से वे क्षेत्र में फिर से खुशहाली लौट जान कुछ दिन अपना महत्म रह कि बरसात खत्म होने से पहली नंदा अपना सौरास लौटद तो फिर से हर जगह का लोग नंदा देवी थे विदा करणों तैयार रह जन्म ब्यो का टाइम पर नंदा देवी कई जगहों में रुकी नंदा देवी कई जगहों में रुकी की अपनी जान और आखिर में अपना मैत्यू थे वापस भेजी कैलाश लौट जान तब बेटी हर साल मां नंदा अपना मैतांत और हर बारह साल में नंद की रात जात निकल दे तो ये कहानी मां नंदा का जन्म और ब्यो की ई कहानी से तुम थे कि नंदा राज जात का बारे भी पता लगी गे होल मेरी इष्ट देवी भी देवी सब पर देव को आशीर्वाद बनो रहा बोलो नंदा देवी की जय पर बात अभी यख में खत्म नहीं हुए अभी में दुई शब्द अरे एक आणु भी तो आज का दुआ शब्द देवताओं से जुड़िया पहलू शब्द पश्व मतलब वह व्यक्ति जिस पर देवता आता है या देवता को धूप देना अब एक औण सुन छठी पूजे कभी पंची भांडा मतलब काम छोटा हो या बड़ा उस पर मेहनत लगती है उम्मीद कि माँ नंदा देवी से जुड़ी यह कहानी तुम तय पसंद आवे बोलो जय नंदा देवी